मैं गौरी शंकर सिंह, जीविका में कंसल्टेंट माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के रूप में 2012 से कार्यरत हूँ। जीविका में आने के पहले मैं भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न शाखा में शाखा प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक एवं समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुका हूँ। जीविका में 2012 से जुड़े तो यह देखा कि स्वयं सहायता समूहों को फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र में जो महाजन हैं वो काफ़ी उच्च दर पर ब्याज पर उन्हें ऋण देते थे, जो लगभग 5 रुपये सैकड़ा माहवारी से लेकर 10 रुपया सैकड़ा माहवारी तक होता था, जो काफ़ी महंगा है, और ये लोग कभी भी भरपाई ठीक से नहीं कर पाते थे। वैसी स्थिति में महाजनों से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक था कि इन्हें सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए विभिन्न बैंकों से बात करके हमारे स्टेट लेवल पर MOU साइन किए गए डिफरेंट बैंक से, और फिर शाखा प्रमुखों से बात करके स्वयं सहायता समूहों का ऋण दस्तावेज भरकर और बैंकों में प्रस्तुत किए गए। भैया दीदी को प्रणाम, मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं ग्राम बोचा के रहने वाली हूँ। सीता जीविका स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ, भारत जीविका महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ। हमारा समूह बनला अभी कुछ ही समय हुआ है, इसलिए अभी बचत भी ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए सभी दीदी की जरूरत पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए बैंक लिंकेज की सहायता से दीदी के पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और इसका ब्याज भी कम है। समूह गठन के 6 माह बाद समूहों का बैंकों से कई लिंकेज कराए जाते हैं। इसके लिए बैंक, हर बैंक का अलग अलग दस्तावेज तैयार करना होता है, जिसमें समूह द्वारा लिया गया क्रेडिट लिंकेज का प्रस्ताव का 6 प्रति लगता है, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगते हैं, लेन देन विपत्र लगते हैं। ये सारे दस्तावेज को तैयार करने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिन्हें जीविका मित्र भी कहते हैं, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि इन दस्तावेजों को कैसे भरा जाए ताकि कहीं कटिंग न हो, ओवरराइटिंग नहीं हो, और बैंक उन्हें किसी तरह के ऑब्जेक्शन या किसी तरह के कमियों को नहीं निकाल सकें। लिंकेज के दस्तावेजों को CM द्वारा भरे जाने के बाद CM CC के पास जमा करते हैं, CC उन्हें वेरीफाई चेक कर लेते हैं। इसके बाद सारे फॉर्म को एरिया कोऑर्डिनेटर, जिसे ACM कहते हैं, को जमा कर देते हैं। वह भी एक व्यू ले लेते हैं कि सारे फॉर्म ठीक से भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं। सारे फॉर्म जब जमा हो जाते हैं तब वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिन्हें प्रखंड परियोजना प्रबंधक कहते हैं, उनको बताते हैं कि इतने फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो सारे भरे हुए हैं, ठीक ठाक से कंप्लीट हैं। तब वे पंजाब नेशनल बैंक के केस में LDM से एवं अन्य बैंकों के केस में, बैंक ऑफ इंडिया केस में CPC इंचार्ज से, बैंक ऑफ बड़ौदा MBGB के केस में शाखा प्रबंधक से बात करते हैं और उस तरह से ग्रेडिंग का डेट फिक्सअप कर देते हैं। जिस दिन ग्रेडिंग का डेट होता है उस दिन पंजाब नेशनल बैंक के केस में एग्रीकल्चर ऑफिसर अपना डेट का कंफर्मेशन दे देते हैं, और उस दिन को जितने समूहों का ग्रेडिंग कराना होता है
उतने समूहों को सीएम के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे ग्रेडिंग कैंप में आ जाएं और अपने साथ जितने भी बुक्स एंड रजिस्टर्स हैं, बचत पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, कैश बुक, एलडीपी, पासबुक, केवाईसी का ओरिजिनल, अगर आधार कार्ड है तो उसका ओरिजिनल कार्ड या वोटर आईडी कार्ड का ओरिजिनल कार्ड लेकर के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आते हैं। ग्रेडिंग के लिए जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है समूह का आकार, साइज ऑफ द ग्रुप। दूसरा पॉइंट है सदस्यों का स्तर, उनके लेवल। तीसरा पॉइंट है कितने मीटिंग वो करते हैं, मीटिंग की संख्या। फोर्थ पॉइंट है सदस्यों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स। फिफ्थ पॉइंट है सदस्यों का मीटिंग में सहभागिता, मीन्स वो पार्ट, कितना पार्ट मतलब कि लेते हैं मीटिंग के टाइम पे। सिक्स पॉइंट है समूह में बचत की राशि का जमा करना। सातवां पॉइंट है बचत की राशि कितनी होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है समूह के सदस्यों में वितरित कर्ज पर ब्याज की दर कितनी लगनी चाहिए। नौवां पॉइंट है समूह में इकट्ठी की गई बचत की राशि का उपयोग वो किस चीज़ में करते हैं। दसवां पॉइंट है सदस्यों में वितरित ऋण की वसूली कैसी है। ग्यारहवां पॉइंट है लेखा किताबों का रखरखाव कैसा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है समूह की कुल कॉर्पस राशि कितनी है। और थर्टींथ यानी आखिरी पॉइंट है समूह के नियमों एवं शर्तों के बारे में सदस्य कितना जानते हैं। अगर इन 13 पॉइंट में से उनको 10 पॉइंट या उससे अधिक मिलता है तो हम उनको लोन देते हैं। अगर 10 से कम मिलता है तो हम उन्हें दोबारा ग्रेडिंग के लिए बुलाते हैं, जिन चीज़ों में उन्हें कमी है उनको सुधारने के बाद। और अगर इनको लोन एक बार सैंक्शन हो गया तो पहली बार हम लोग 1.5 लाख रुपये देते हैं, उसके नेक्स्ट टाइम हम लोग इनको 2.5 लाख रुपये देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनको 5 लाख रुपये देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉर्पस। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर जब अपना लोन रिकमेंडेशन करते हैं 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 6 लाख, जो भी वो रिकमेंडेशन करते हैं, ये सारे आवेदन पत्र शाखाओं में जाते हैं। वहाँ पर शाखा प्रबंधक जब खाता खोलते हैं या लिमिट इन्हांस करते हैं तो कैश के लिमिट 2.5 लाख, 1.5 लाख या 3 लाख का वो देते हैं, लेकिन समूह के लेन देन की प्रक्रिया को देखते हुए, उनकी आदतों को देखते हुए, वे लिमिट में से अगर 2.5 लाख का लिमिट है तो उसमें ड्राइंग पावर वो 2 लाख का शुरुआती दौर में देते हैं, 1.5 लाख का देते हैं, जहां 3 लाख है वहां पर हो सकता है 2 लाख का ड्राइंग पावर दें, ताकि समूह उतनी राशि तक के निकाल के लेन देन कर सकता है। जब समूह को लगता है और बैंक को लगता है कि हमें और पैसे की आवश्यकता है, तब उस स्थिति में वे शाखा प्रबंधक से अनुरोध करते हैं कि मेरा ड्राइंग पावर और बढ़ा दिया जाए, तो वो ड्राइंग पावर बढ़ा देते हैं और फिर उसी ड्राइंग पावर के अंदर वो लेन देन करते हैं, ताकि बार बार आवेदन पत्र देने की उसकी ज़रूरत बैंक में नहीं पड़े और वो समूह फिर बैंक से पैसा निकालती है, अपने सदस्यों को रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे देती है और फिर वो जितने भी सदस्य हैं समूह में किस्त ब्याज के रूप में वापस करती हैं और समूह फिर उसे वापस करते हैं अपने संबंधित बैंक के ऋण खाता में। हर महीने लेन देन करते हैं, हर महीने ब्याज की वापसी करते हैं और इसके वजह से खास करके गया जिला में या बिहार में जो 11-12 जिले हैं जहां इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ भी मिलता है, वैसे समूह जो हर महीने ब्याज की राशि वापस करते हैं, लेन देन करते हैं, उन्हें 3% एडिशनल अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलता है। ऐसे 7% है ब्याज की, लेकिन जब रेगुलर लेन देन करते हैं, रेगुलर ब्याज की राशि वापस करते हैं तो 3% अतिरिक्त ब्याज का जो लाभ मिलता है, तो अंततः उन्हें 4 रुपये प्रति वर्ष का ही ब्याज देना पड़ता है और फिर उस राशि से सदस्य लोग कोई रोजगार करते हैं, कोई धंधा करती हैं,
ताकि उसे इनकम अपना बढ़ा सकें और बैंक के पैसा देने में उन्हें आसानी हो सके। हमारे पंजाब नेशनल बैंक जमैता ब्रांच में जीविका का काफ़ी ही महत्व दिया जाता है। हमारे कृषि पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार फील्ड में जाते हैं, दीदियों के घर जाते हैं, ग्रुप से लोगों से मिलते हैं और उन लोगों का कार्यकलाप के बारे में पूछते हैं कि आप यह बैंक जो आपको ग्रेडिंग करने जा रही है, बैंक फाइनेंस करने जा रही है, आप इस पैसे को लेकर क्या क्या करेंगे। देखते हैं कि गांव में आज महिलाओं का एक सजग ग्रुप जो कि गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे है और काम पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। बैंक जीविका मिलकर उनके दर्द को समझता है और उनको उचित जिनको जो ज़रूरत होती है उन्हें वित्त प्रदान करती है। इसके लिए एक सिस्टम वर्क करता है और बैंक ने इसका देखा कि जीविका का 2-3 सालों से कायाप्राप्त में देखा कि इनकी जो बैंक में पैसे लौटाने की जो धारणा है वह बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर महिलाएं व्यवसाय को सुचारू रूप से करती हैं, अपना व्यवसाय का जो भी पैसा बचता हो बैंक से टर्नअप सप्ताह में महीने में 2-3 बार करती हैं। ऐसा देखा गया कि बैंक जो जीविका को लोन करती है उसका रिपेइंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है। आज हमारे गया मंडल कार्यालय में जीविका को काफ़ी ही महत्व दिया जा रहा है और तरह तरह के कैंप लिए लगाए जा रहे हैं। जिला स्तर पर, सब जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर काफ़ी इसका जोर शोर प्रचार किया जा रहा है। आज हम हर बैंकों में देख रहे हैं दीदियाँ आसानी से आती हैं, बिना रोक ठोक के आती हैं और अपना कदम से कदम बैंक से मिलकर अपना कार्यभार में आगे बढ़ रही है। मैं आरके शर्मा, चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस गया में कार्यरत हूँ। जो जीविका के बारे में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इधर चल रहा है उसके बारे में मेरा ये बोलना है कि ये हमारे बैंक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमें जैसे गया सर्कल में कोई बिग कारपोरेट या इंडस्ट्रियल लोन तो हम नहीं करते, जो रूरल एरिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हमारा एडवांस में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है, तो उसमें एक हमें अलग से एग्रीकल्चर में टारगेट अचीव करने होते हैं उसकी अचीवमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन जो जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हो रहा है। बैंक को इसका फ़ायदा ये है कि ये जब हम काफ़ी बार फुटिंग पर एडवांस कर रहे हैं इसका, इसमें इरेगुलर एनपीए के चांस नहीं है। हमारे मोस्ट ऑफ द जो अभी भी कोई भी जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने इरेगुलर या एनपीए अकाउंट नहीं सुना है, हमारे सर्कल में ऐसा कोई भी नहीं है। तो एक 20 एग्रीकल्चर ऑफिसर की डेडिकेटेड टीम हमारी पूरे सर्कल में काम कर रही है। 108 ब्रांचेस है जिसमें हमारे 108 बीएम साहब इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रांच लेवल पर कोई इशू अराइज हो जाए जीविका के बारे में तो स्टेट मशीनरी की तरफ से बीपीएम है, वहाँ हमारा ब्रांच मैनेजर है, वो उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता है तो उसको एस्केलेट करके इधर हमारे सर्कल हाउस में भी एक डेडिकेटेड सेक्शन इसी काम के लिए है, तो वहाँ तक अगर बीच में कोई इशू आ जाए तो हम बीच में इन्वॉल्व होकर इसको रिजॉल्व करते हैं। तो बीच में मैं भी कई जगह इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में मीटिंग अटेंड किया है जिसमें 100-150 मेंबर बैठे होते थे, तो वहाँ जाकर उनको मैंने भाई गाइड किया कि जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जीविका सेल्फ हेल्प, इट इज़ लाइक ए मिनी बैंक। आप एक मिनी बैंक चला रहे हैं, आप अपना पैसा पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं और आपस में उसकी इंटरलोनिंग हो रही है, तो बैंक भी यही काम करता है, आपका भी वही काम है। बैंक को भी आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा पूंजी चाहिए होती है, आपको भी आगे बढ़ने के लिए और पूंजी जो चाहिए वो बैंक उपलब्ध करवा रहा है। क्योंकि सारे ग्रुप्स जो लेडीज़ ग्रुप होते हैं, लेडीज़ फाइनेंशियली काफ़ी डिसिप्लिन रहती हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा कोई ऐसा इशू नहीं आता कि बाद में कोई अग्रेसिव फॉलोअप की ज़रूरत पड़े, तो नॉर्मल कोर्स में बहुत अच्छा काम जो हो रहा है। मेरा नाम कमलेश धर है, मैं LDM हूँ पंजाब नेशनल बैंक गया जिला की। जीविका समूह का जो सेविंग्स लिंकेज हो या क्रेडिट लिंकेज हो, इसमें पंजाब नेशनल बैंक भरपूर काम कर रही है।
गांव के जो महिलाओं जो है महिला का आर्थिक जो आर्थिक स्थिति को सुधारने में जीविका लगे हुए हैं। बहुत सारी काम आप जाएंगे अगर गांव में हम जाएंगे तो देखने को मिलते हैं लोगों का जो आर्थिक स्थिति का सुधार हो रहा है तो जीविका का से जो जीविका से जुड़े हुए जो हमारे दीदी लोग हैं उनका घर का उनका परिवार का खुशहाली आ रहा है। जीविका से जो करीब करीब गया जिले में करीब करीब 20,000 समूह का क्रेडिट लिंकेज किया गया हुआ है। इसके अंदर अगर पंजाब नेशनल बैंक का हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक के करीब करीब 9,000 समूह को 144 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज किया गया हुआ है जीविका समूहों का। उससे जो गया जिले के जो गांव के जो आर्थिक जो स्थिति है वो सुधारने में काफ़ी हद तक है मददगार है। अगर हम देखें दूसरी लोन के साथ अगर जीविका का जो लोन है उसका अगर हम कुछ कंपेयर करें जीविका का जो लोन है जो लोन हम लोग देते हैं उसमें जो हमारा जो एनपीए परसेंटेज जो है बहुत ही कम होती है एनपीए परसेंटेज। उसमें अगर हम जीविका में एनपीए परसेंटेज जो अगर देखें तो करीब करीब आपका करीब करीब 60 लाख माने 2% का आसपास जो एनपीए है वो बहुत नगण्य है। हम नगण्य कह सकते हैं उसमें अगर हम जीविका का कोई भी अकाउंट इरेगुलर हो जाता है एनपीए हो जाते हैं तो हम लोग जो क्या करते हैं उनका जो थ्रू स्टेट कोऑर्डिनेटर उनका जो बीपीएम है उनका जो बैंक मित्र है सीएलएफ जो है उनके संपर्क करते हैं वो लोग दीदी का संपर्क करके जो अकाउंट अगर सही तरीके से नहीं चलता उसको ठीक कराया जाता है। क्योंकि हम जीविका का जितना भी अकाउंट है उसको हम पूरी की पूरी सुचारू रूप से इसीलिए हम आशा नहीं करते क्योंकि जो लोग गाँव का जो लोग है दूर से आती है हर रोज उनके लिए अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो है लेन देन आदान प्रदान भैया जमा निकासी हो नहीं पता तो बाकी जो है बाकी बाई एंड लार्ज हम देखें जीविका का जितना भी अकाउंट जो है सही चल रहा है उसमें एनपीए परसेंटेज कम है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक का देखें तो जीविका का जो टोटल जीविका का जो लोन है टोटल पंजाब नेशनल बैंक करीब करीब 19.02% जीविका का हिस्सेदारी है। हम आशा करते हैं आगे जाके ये हिस्सेदारी और बढ़ेगा दीदी लोगों को हम और वित्तीय मदद करेंगे जो गांव गांव में खुशहाली आ सके। मैं विनय कुमार सिंह मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक गया जो जीविका के कार्य को हमारे मगध प्रमंडल के चारों जिला में देखता है बोल रहा हूँ। जीविका ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में निर्णायक भूमिका अदा कर रही है। जीविका के माध्यम से तकरीबन 9,000-10,000 के करीब ग्रुप में महिलाओं का वित्त पोषण पीएनबी ने किया है हमारे मंडल द्वारा किया गया है। जीविका के लेंडिंग से हमारी इंटरनल लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर इन सब लक्ष्यों के को पूरा करने में गुणात्मक रूप से मदद मिलती है। जीविका ने सबसे बड़ा काम किया है महिलाओं को जागरूक करना स्वयं सहायता समूह के द्वारा आपसी लेन देन को मजबूत करते हुए और बैंक के पैसे का बैंक ऋण का सदुपयोग करते हुए फिर बैंक ऋण की अदायगी पुनर्अदायगी समय पर करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं का उत्साह महिलाओं को साक्षर बनाने में जीविका ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है और पंजाब नेशनल बैंक जीविका के सारे स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़कर सामाजिक बदलाव की इस मुहिम में निर्णायक भूमिका अदा कर रही है आगे भी करती रहेगी। जीविका ने सबसे बड़ा जो कल्याण किया है ग्रामीण महिलाओं को साक्षर करके उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया है जो समाज को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एज ए बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू इनकी इन सब ऋणों की वसूली तकरीबन 97-98% है। मैं आगे भी जीविका के दीदियों के समूह का वित्त पोषण पीएनबी के द्वारा बढ़ चढ़ के किया जाता रहे इसकी व्यवस्था करता रहूंगा और शाखाओं हमारे 105 शाखाओं के माध्यम से इनके वित्त पोषण में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।